ओके आज मेरे दादा आज स्पेशल गेस्ट आए हैं। पद सुनेंगे हम आपका उमेश दादा विनिपेग कनाडा से। ओके उमेश भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, मीनेश आनंद जी, पद 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 बोलो प्लीज प्लीज स्टार्ट द पद। पादरवाना भिंडा जारे बहु जोर मा आवे रे, अभिमान मा अंध बनी पढ़ने पादम दावे रे। पादरवाना भिंडा जारे पहड़ा कई ने पढ़या अनिश करास बापन जानी, न्याय नीति ने वे आपने ये पद क्यों पसंद किया? जय सच्चिदानंद। मैं इसको रेगुलरली सुनता था। फर्स्ट टाइम मुझे एक बार फोन पे एक दिन सुनने को आया था पूरे पद की लिस्ट में से, और उस टाइम बहुत यूनिक, फर्स्ट तो ट्यून बहुत यूनिक लगी थी, वो एकदम कैच ऑन हो गया था। फिर दो तीन बार सुना तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ सिखा रहे हैं ये, बच्चों के बारे में शायद होगा कि आगे आगे कहते हैं कि कीड़ी काड़ा नाक तड़ो पर करे पराजय के, वो तो कुछ होगा, मतलब समझ में नहीं आता था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो सोचा कि आज मौके के साथ सत्संग भी हो जाए तो हमारे भी समझ में आ जाए। ओके तो मैनेज दादा थोड़ा बातें करो और समझ आपको। आप मैनेज दादा ये कैसा है कि भाद्रव महीना आता है तो जो भिंडी का पेड़ पौधा है उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, तभी उसको क्या लगता है कि मेरे जैसा और कोई है, लेकिन बड़ा होता है तो क्या होता है उसका समय भी नजदीक आ जाता है। सीजन सीजन पूरी होती है, उसका समय नजीक आ रहा है, हाइट बढ़ गई है। तो ऐसे यार हमें क्या सिखाता है कि संसार में संयोग तो ऊपर नीचे आते रहेंगे, लेकिन जो भी ऊपर नीचे के संयोग आते हैं उसमें आप आपकी स्थिरता रख पाते हो तो आप कमाई करेंगे, ज्यादा एलिवेट हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आप नॉर्मलिटी में रहेंगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रसिद्ध जी आपने जो बात बताई कि चींटियां सांप को भी परेशान करती है कि नहीं करती है, ठीक है, आप
बहुत सारी चीटियां इकट्ठी हो गई तो सांप को भी परेशान कर देती कि नहीं करती है काट के? दो में शक्तिशाली कौन है, सांप शक्तिशाली की चीटियां शक्तिशाली है? देखिए बात हमें यह समझने की है कि चीटियां सब सारी इकट्ठी हो गए, मीन्स यूनियन बना दिया, सब एक हो गए, तो एक हो गए तो सांप जैसे पॉइजनस जानवर को भी हरा सकते हैं। वैसे यह हमारा निश्चय हो गया कि जो भी सारी कमियां इसमें है मेरे भीतर, जो जो भी वीकनेसेस है उसका मैं आज से भी पक्ष नहीं लूंगा, उसका प्रोटेक्शन रक्षण कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का निश्चय हो गया तो अवश्य उस गलतियों में सब बाहर निकल जाएगा, आपकी वो कमियां वीकनेसेस में सब बाहर निकल जाएगा। इतना आसान बात है लेकिन अंदर समझ में फिट हो गया तो काम हो जाएगा। आप बताना क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, अशक्य नहीं है, निश्चय चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, निश्चय पक्का है तो जो भी आपका ध्येय अवश्य पूर्ण होगा ही, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ऐसा रखेंगे तो फिर रिजल्ट पे ऐसा ही आएगा। बराबर है? बराबर, हाँ बराबर। देखिए आप बात ये समझ लेने की, आगे और कुछ प्रश्न तो पूछो वो पद के बारे में। एक और लाइन आगे की पढ़ लू, उसमें मुझे एक सवाल और था। आप बोलिए। ये लाइन है, विनय धरी बड़ कहवा लाग्यो, जोर नथी लड़वानू, बे महीना रहवा आपो तो पाड़ तमारो मानू रे। एंड देन उसके बाद वाली लाइन है कि हसवा सरखी करी मांगनी भिंडा ए स्वीकारी, निर्भय थईने वड़ बैठो त्या बहु छाया विस्तारी रे। तो उसका मतलब क्या था? तो सीधा आसान समझ में आ गया सर, बड़ का पेड़ है वो क्या बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, विनय से बोल रहा है, रिस्पेक्ट के साथ, मुझे दो महीने का टाइम दो, आप भी फूलो फालो और मुझे भी मेरे सहजता में रहने दो। तो भीड़ा के पौधे को क्या हुआ कि वो दो महीने की बात कर, चलो दे दो, क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा तो नहीं मांग रहा है, तो दो महीने के बाद उसका खुद का क्या हाल होने वाला उसको पता नहीं है, दो महीने के बाद क्या हाल होगा, सीजन पूरी हो गई, उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई, क्या होगा, मर जाएगा, वो बड़ का पेड़ सूख जाएगा कि भिंडी का पेड़ सूख जाएगा, तो भिंडी का पौधा, भिंडी का पेड़ सूख जाएगा, हाँ भिंडी का पौधा सूख जाएगा। कोई यहाँ बड़ क्या कहता था कि हमें पेशेंस रखने का सिखाता है, पेशेंस बना के रखो, आपकी पेशेंस है तो हर कोई काम आपके लिए आसान हो जाएगा, तो पेशेंस नहीं रखेंगे तो सब काम कठिन लगेगा आपको। और यार दूसरी बात क्या सीखा रही, किसी भी व्यक्ति को छोटी है, हमसे कम है, ऐसा मत सोचो। बात क्या आ रही है? आ रही है। हमारा एंकर क्या दिखाता है, सामने वाले में कुछ एंकर है ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं है, पर दादा होगा क्या बोलते हैं, ऐसा भीतर हुआ कि ये कुछ समझता ही नहीं, कुछ एंकर है ही नहीं, तो सबसे पहले आपकी समझ पे लॉक लग गया, सामने वाले की समझ पे नहीं, खुद की मती का नाप निकल गया कि खुद कितना समझे। बात क्या मारे क्या? ठीक है, इतना ही समझने का। ठीक है, ठीक है, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ऐसे वापस आना कभी कभी, ओके, वेरी गुड, थैंक यू, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।